अस्पताल अंडर पास में लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। ठोकर से कैंपस जाने वाली ट्रैफिक मुतासर हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से ड्राइवर समेत तीन अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा हादसा कैसे पेश आया। हाँ जी बिल्कुल जिना, हॉस्पिटल अंडरपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और इसकी वजह यह है कि रात 2 बजे ट्रैक्टर ट्राली जो कि लकड़ियों से भरा हुआ था यहां पर उलट गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस अंडरपास को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस अफसरान और अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी निगरानी में इस जो ट्रैक्टर ट्राली है इसको क्लियर करवाया जा रहा है। मेरा कैमरा मैन फखर अब्बास आपको दिखा सकेगा कि ये वो ट्रैक्टर है जो रात को ओवरलोडिंग की वजह से और ज़ायद स्पीड की वजह से बेकाबू होकर दीवार से टकराया और तमाम लकड़ियां या तमाम कटे हुए दरख्त जो हैं वो अंडरपास में जो है बिखर गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ा और पुलिस की जानिब से इस अंडरपास को रोका गया है। सिर्फ एम्बुलेंसेज को रास्ता दिया जा रहा है ताकि एम्बुलेंस जो है वो इस तमाम ट्रैफिक के जो ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए जो है वो अपनी हॉस्पिटल या अपनी मंजिल की तरफ जा सके। ट्रैफिक पुलिस जो है के अहलकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी निगरानी में इस अंडरपास को क्लियर करवा रहे हैं और इसकी क्लियर होने के बाद जो है इसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। जी